थिक्स कस्टम्स ट्रेडिशंस ये सारा कुछ तरबियत तरबियत का मैं और कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ तरबियत कहूंगा मैं सलाम पेश करता हूं दीर और लोगों को और मैं ख्याल पूरा पाकिस्तानी ऐसे है मगर ये मरी में जो हुआ है नॉट पार्ट ऑफ अस्ट जो मरी में हुआ है आप लोगों के सामने कोई चीज ढकी छुपी नहीं है मैं अपना एक वाक्य बयान करूँ कि मैं कुछ अर्से पहले मुझे दीर जाना हुआ कुम्हराठ दीर के पास एक जगह कुमराठ हेल्थ है मैं वहां जा रहा था तो देर से आगे निकल के जब कमराठ की वादी में दाखिल होने लगा तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई एक साथ कुछ और गाड़ियां भी थी तो एक गाड़ी हमारी खराब हो गई हमें रुकना पड़ गया तो गांव का एक बच्चा भागा आ गया थोड़ी देर बाद और एक ट्रे में कुछ कुछ मग कुछ प्यालियां इस तरह कॉम्बिनेशन से बना के ले आया कि जी माँ जी ने आपके लिए चाय भिजवाई है अच्छा बड़ी हैरत हुई खैर चाय सब ने पी चाय की तलब भी हो रही थी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक बंदा क्योंकि मगरे होने वाली थी तो एक बंदा आया उसके हाथ में बड़ी सारी ट्रे थी और ट्रे पूरी चावलों से भरी हुई थी और उसके ऊपर उसने चावलों के ऊपर चिकन डाला हुआ था कर, चिकन करी थी ऊपर डाली हुई थी कुछ शोरबा सा था और कहते हैं मेरी बीवी खाना पका रही थी मैंने कहा क्या पका हुआ है उसने कहा ये कहता फटाफट डालो बर्तन था नहीं वही ट्रे पड़ा हुआ था मैंने कहा ट्रे में डालो ऊपर डालो और ये सारा कुछ ना वो भगाता हुआ ले कि हम लोग बाद में खा लेंगे पहले मैंने कहा मेहमान लोग निकल रहे हैं इनको दे दो मगरब हो गई है तो ये लोग खाना खा लें एक साइड पे मैंने ही चार्ज एनीथिंग एक रुपया एक पैसा उन लोगों ने हमसे नहीं लिया और फिर इससे कुछ पहले मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था जब छतराल जाते हुए रास्ते में जब मैं तैमरगरा क्रास किया तो रास्ते में कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई थी मैं जब तक मैं सेंस करता गया तो बिफोर आई कुड रियलाइज मैं सीधा उसके बीच में जाके मेरी गाड़ी खड़ी हो गई अब वो उन लोगों ने रोड ब्लॉक कर रहे थे पत्थर फेंक रहे थे उस वक्त तो इस वक्त एक गाड़ी को देख के तो क्या सूरत हाल हो सकती है जब आप फैमिली के साथ बैठे हो मगर नहीं वो लोग भागे भागे आगे वही लोग उन्होंने वही रोड मेरे आगे से पत्थर हटाने शुरू कर दिए पत्थर हटाए और मुझे कहते हैं आप निकलो और मैं निकल गया वहां से अब ये वैल्यूज एथिक्स कस्टम्स ट्रेडिशंस ये सारा कुछ तरबियत तरबियत का मैं और कुछ नहीं कहूंगा सिर्फ तरबियत कहूंगा मैं सलाम पेश करता हूँ दीरो लोगों को और मैं ख्याल पूरा पाकिस्तान ही ऐसे है मगर ये मरी में जो हुआ है not part of us.